हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कला और उठापटक के बीच राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज ठप हो गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपनी कुर्सी बचाने और संगठन से टकराने में उलझी है और लोग बिगड़ी कानून व्यवस्था का सामना कर रहे हैं। अनुराग ने कहा कि कांग्रेसी नेता एक दूसरे को खुलेआम कल्प ठहरा रहे हैं। सरकार आपदा प्रबंधन योजना 2016 में भूस्खलन के लिए बनाए गए साइट DBR के अनुसार काम करती तो भूस्खलन से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार को राज्य के नागरिकों की परवाह नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे की ही फिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनगढ़।